हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो है वो एक रिव्यू वीडियो है। दिस इज द प्रोडक्ट जिसके ऊपर आज का रिव्यू होगा, लैक्टोकैलामाइन लोशन। आज के डेट में मार्केट्स में इतने सारे न्यू प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि हम लोग अपने पुराने प्रोडक्ट्स को भूल ही गए हैं, जिनको हम हमेशा से यूज़ करते थे अपने चाइल्डहुड एज में और अपने स्कूल कॉलेज टाइम में। जिन चीज़ों को हम यूज़ करते थे उन चीज़ों को हम भूल ही गए हैं जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। तो ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी। समर्स में मैं इसको यूज़ करती हूँ बेसिकली, विंटर्स में तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ, बट समर्स में मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट है। अगर आप समर्स में इसका यूज़ करेंगे तो इसके इतने सारे हैक्स हैं, आप इसको इतनी तरह से यूज़ कर सकते हैं इस एक प्रोडक्ट को, जिसके ऊपर मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी कि आप इसको अलग अलग तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपको सिर्फ इसका रिव्यू दूंगी। तो मुझे लगा कि आप समर्स हैं तो लोगों को इसकी ज़रूर से ज़रूरत होगी, तो मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल बतानी चाहिए, एक प्रॉपर रिव्यू देना चाहिए अपने चैनल पर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लैक्टोकैलामाइन लोशन के रिव्यू से। सो लैक्टोकैलामाइन लोशन बेसिकली एक डेली फेस केयर लोशन है, मतलब एक आप इसको डेली एज अ मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक लोशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे स्किन पर करता क्या है, काम क्या करता है। बेसिकली ये हमारे जो स्किन पर ऑयल आता है ये उसको बैलेंस करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं, एक ऑयली स्किन के लिए और एक ड्राई स्किन के लिए। मेरी ड्राई स्किन है तो मैंने ये ग्रीन वाला सिलेक्ट किया है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पर्पल वाला ले लीजिएगा। मैंने जो मंगवाया है इसका साइज है 120 ml, क्योंकि मुझे समर्स में मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बट आप अगर फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करके चेक करना चाह रहे हैं कि ये कैसा है, तो आप इसका छोटा पैक मंगवा सकते हैं, जो कि आई थिंक 30 ml का मिलेगा, आपको 60 या 65 rupees का मिल जाएगा। तो इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक ड्राई स्किन एक ऑयली स्किन के लिए। ये प्रोडक्ट काम क्या करता है, इसके ऊपर मेंशन है कि ये ऑयल को बैलेंस करता है, यानी कि हमारे स्किन पर जो ऑयल आता है उसको बैलेंस करता है। एंड इसके अंदर कोई कैरोलिन क्ले थेरेपी भी है एंड एब्जॉर्ब्स ओनली एक्सेस ऑयल, जो भी हमारी स्किन पर एक्सेस यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यार मतलब एक्सेस ऑयल किन को आएगा, जिनकी स्किन ऑयली होगी उनको आएगा सबसे ज़्यादा। वैसे तो समर्स में जिनकी ड्राई स्किन होती है उनकी स्किन भी थोड़ी सी ऑयली होने लग जाती है, बट जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है जिनकी ऑयली स्किन है। तो हमारे फेस पर जो एक्सेस ऑयल आता है उसी की वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल और एक्ने मार्क्स वगैरह हो जाते हैं। तो अगर वो एक्सेस ऑयल को ही बैलेंस कर दिया जाए किसी इस टाइप के प्रोडक्ट की हेल्प से, तो हमारे जो एक्ने और पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो ये उस केस में बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है। तो वैसे तो यार जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनकी स्किन ज़्यादा बेटर होती है ड्राई स्किन वालों से, क्योंकि उनको अर्ली एजिंग वगैरह नहीं होता है। एंड जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनको अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, उनको अर्ली एजिंग उनको जल्दी हो जाता है। बट प्रॉब्लम ऑयली स्किन वालों के लिए यही रहती है कि उनको एक्ने और पिंपल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर मेंशन है, मेक योर ऑयली स्किन अ ब्लेसिंग, ऑयल बैलेंस्ड स्किन इज नेचुरली मॉइस्चराइज्ड विच डजंट क्रैक और फील स्ट्रेची एंड गिव्स यू अ यूथफुल लुक, मेकिंग इट अ ब्लेसिंग। एंड इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कैरोलिन, जिंक ऑक्साइड एंड एलोवेरा। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब मैं इसकी बात करूँ ये अंदर से कैसा है, तो आप जब भी इसको यूज़ करें तो यूज़ करने से पहले आप मेक श्योर इसको एक बारी ऐसे शेक कर लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड ही है। आप एकदम से निकालेंगे ना तो ऊपर वाटर वाटर सा कुछ आता है, तो आप इसको एक बारी इस तरह से शेक कर सकते हैं यूज़ करने से पहले। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा है, ये देखिए एकदम से इतना ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है। सो ये कुछ इस तरह का है, पिंकिश कलर में है। एंड अगर मैं इसको एब्जॉर्ब करके दिखाऊं, यार मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया प्रोडक्ट, बट इट्स ओके। अगर मैं दिखाऊं कि ये ब्लेंड कितनी इजीली हो जाता है, बहुत ही इजीली हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ही इजीली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड मैं इसको एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र कह सकती हूँ, क्योंकि ये हल्का सा फेस पर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो हल्का सा टिंट देता है हमारे फेस पर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। डेली मॉइस्चराइज़र के तौर पे ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एंड यहाँ पर ये देखिए आप कितना क्विकली एब्जॉर्ब हो गया है मेरी स्किन में। एंड हल्का सा इसने शायद हल्का सा मैं बोलूँगी, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि कवरेज ये बिल्कुल नहीं देता है। अगर आप इसको कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें कवरेज नहीं है। बट हाँ, आपको ये हल्का सा एक वाइट कास्ट ज़रूर देगा, हल्का सा, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं।
तो ये आपको हल्का सा एक वाइट कास्ट देगा। एंड मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ अपने दोनों हैंड्स में। इस वाले हैंड पे मैंने अप्लाई किया था, यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसकी फ्रेग्रेंस से काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गई हूँ। तो फ्रेग्रेंस वाइज मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल जैसे जॉनसन्स बेबी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें जो फ्रेग्रेंस होती है, कुछ मुझे उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस लगती है। तो जब आप इसको फेस पे लगाएंगे तो हल्का सा वाइटिश कलर आपको लगेगा, हल्का सा वाइट कास्ट लगेगा, बट कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि वो थोड़ी देर में बैलेंस आउट हो जाता है आपकी स्किन के साथ, वो इवन लगने लग जाता है थोड़ी देर में। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा वाइट वाइट हो रहा है, बट उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा स्किन में, तो प्रॉपर तरीके से वो सेट हो जाएगा एंड वो इवन दिखने लग जाएगा। तो अगर आप डेली वेयर में कोई हैवी मेकअप या फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, कोई बीबी क्रीम या फाउंडेशन अगर आप डेली वेयर में नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ अपना एक डेली लुक क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको एक अच्छा सा नेचुरल फिनिश देता है आपके फेस पर। तो अगर आप नहीं कुछ हैवी मेकअप करना चाहते, या फिर आप बिगनर हैं आपको नहीं आता मेकअप करना, या आप बीबी क्रीम फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना चाहते रोज, तो आप सिंपल से अपना ये लैक्टोकैलामाइन लोशन लगाइए एंड उसको कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लीजिए एंड आप बाहर जाने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हैं। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेली मेकअप में। अगर आपके फेस पर पहले से कोई स्कार्स वगैरह के निशान हैं, तो अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो स्कार्स वगैरह के स्पॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होना, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे इस प्रोडक्ट को। सो ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, अगर आप ऑयली स्किन हैं या ड्राई स्किन के पर्सन हैं, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बट स्पेशली फॉर ऑयली स्किन आप विदाउट एनी सेकेंड थॉट इसको परचेज कर सकते हैं। सो दैट वॉज माई टुडेज वीडियो, आई रियली होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।